सरकार द्वारा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की गई योजना के तहत आज जिंदी क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों की जांच पड़ताल कर उनके चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यमुना नदी से लगते क्षेत्र में आज पुलिस ने दर्जनों से अधिक ओवरलोड वाहनों के चालान करने की कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से ओवरलोड वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। करनाल से गड़ी बिरबल रोड पर ओवरलोड वाहनों की बढ़ रही आवाजाही से परेशान लोगों ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लोगों ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार ने ओवरलोड वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वह बड़ा आंदोलन छेड़ने पर विवश हो जाएंगे। इतना ही नहीं, करनाल क्षेत्र से ओवरलोड वाहनों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए सरकार ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बड़ी योजना तैयार की। उत्तर प्रदेश से लगती सीमा के आसपास प्रदेश भर में करीब 18 स्थान चिन्हित किए गए थे जहां पर पुलिस वह अन्य विभागीय अधिकारी विशेष चौकसी के लिए नाका लगाकर कार्यकर्ता कार्रवाई करें। सरकार के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन द्वारा तय की गई नीति के तहत पुलिस ने इंद्री क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। दर्जन से अधिक ओवरलोड वाहनों के चालान किए गए। ओवरलोड वाहनों के चालान होने की सूचना जैसे ही वाहन चालकों को मिली तो वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में वाहन चालक अपने वाहनों को लेकर सड़क से एक साइड में खड़े हो गए। ओवरलोड वाहन के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर ओवरलोड कम करने वाले वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। इंद्री थाना प्रभारी हरविंदर सिंह का कहना है कि आज 16 से ज्यादा ओवरलोड वाहनों की शिकायत आ रही थी। पुलिस ने ओवरलोड वाहनों को शिकंजा करते हुए 16 वाहनों को जब्त कर लिया। आज 16 वाहनों के चालान काटे गए हैं। ओवरलोड के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। अगर किसी गाड़ी में ओवरलोड है उसको चालान करके उसको जुर्माना करवाया जाएगा। स्पेशल एक माइनिंग की टीम है जो इसके अलग से चालान करती है। बक्केम थाने की और चौकी की टीम भी लड़के इसके चालान करते हैं। ट्रेंडल में चेकिंग की जाती है, अगर ओवरलोड गाड़ी है उसका चालान किया जाता है। 16 चलान करते रहते हैं। आज ये रली मिली कार्रवाई करी है जो टोटल 16 चलान आज के। बस इस पे जुर्माना कराया जाता है आरटीओ से। अच्छा,